हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉग नरेंद्र राउत में। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके बताएं। और अभी देखिए नितिन गया हुआ इसकी बुआ जी के घर, और यहाँ पर देखिए पानी भर रहा है, काम कर रहा है ये। और ये है हमारे खेत का सीन। घर पर खेत में थोड़ा सा ये चारा हो गया था, बारिश हुई थी अभी बहुत ज़्यादा बीच में, तो उस समय कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चारा हो गया था। तो आज जो हमारी मुस्कान है बकरी और एक भाई की है, तो दोनों को हम लेके आए यहाँ पर। और ये देखिए चारा चर रही है, क्योंकि इनको भी हम बंदे ही रखते हैं, खोलते नहीं है, क्योंकि दो है तो फिर दोनों भाइयों के एक एक, तो हम घर पे रखते हैं इनको। और जो सूखी कुट्टी होती है उसमें दलिया वाला मिला के हम इसको घर पे खिला देते हैं। तो इस कारण ये भी देखिए बहुत दिनों बाद मज़े से जो हरा चारा खा रही है, क्योंकि नहीं मिल पाता इनको हरा चारा खाने के लिए यहाँ पर, तो हमारे नहीं है पानी की व्यवस्था थोड़ी सी इस कारण। और ये देखिए आराम से खा रही। और इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से पेड़ लगाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में, पौधे सब्जी के। और यहाँ पर देखिए सिया अपनी पूँछ कुछ अच्छी, क्योंकि इसके छोटे छोटे वो क्या कहते हैं चीचड़े वगैरह जैसे हो गए हैं, तो अभी मैंने दो तीन दिन कंटिन्यू इसकी जो दवाई आती है GTP पाउडर, तो वो लगाया भी था, बट अब इसके फ़र्क है, फिर भी थोड़ी बहुत ये करती रहती है। और देखिए अभी मैं बुला रहा हूँ सिया यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ रही है। और ये वृंदा है भाई की, ओके, तो ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो है मुस्कान अच्छे से चल रही है। और इधर हम कचरा कर रहे हैं साफ। और ये भाई की स्नेहा बकरी है, इसका नाम स्नेहा रखा है, तो स्नेहा भी चल रही है। उधर देखिए नितिन आ रहा है, वो ये आराम से मज़े से खा रही है चारा, हरा चारा बहुत दिनों बाद मिला है इनको खाने के लिए इस कारण। और अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़े से सब्जी के पौधे लगाएंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए यहाँ पर क्या बर्तन वगैरह धोते हैं, तो यहाँ पर क्या पानी कंटिन्यू आता रहता है, तो बहुत ज़्यादा जो कचरा बड़ा बड़ा हो गया। बाकी यहाँ पर खेत में तो ट्रैक्टर निकलवा के हमने हकाई करवा दी थी, इस कारण कम कचरा है। तो थोड़ा थोड़ा वो देखिए इस प्रकार से हाथ से हम कचरा कर जो है पाड़ते हैं, यानी उखाड़ते हैं। ये देखिए पाड़ना बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। और ये चारा आज हमारे पार्वती को भी मिल जाएगा बहुत दिनों से, क्योंकि बरसात के दिनों में ही इनको उपलब्ध हो पाता है ये चारा, बाकी नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से हम क्या हाथों से उखाड़ लेते हैं चारे को, तो पशुओं के लिए भी हो जाता है, खेत भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक धोरी बना के, धोरी यानी थोड़ा सा पानी चला जाए वहाँ तक, यहाँ पर लौकी तुरई और सेमफली के पौधे लगाऊँगा इस कारण ये सफाई का काम चल रहा है आज हमारे यहाँ पर। और शाम का समय है इस कारण कर रहे हैं थोड़ा सा काम यहाँ पर आज। और कव शेड को तो मैंने ठीक कर ही दिया था बीच में, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें भी हमने क्या क्या तैयार, मतलब रिपेयर कैसे क्या किया उसमें, वो भी मैं दिखाऊंगा एक दो दिन में आपको व्लॉग बना के। और यहाँ पर देखिए कचरा मैंने पाड़ रहा हूँ यहाँ पर, और आराम से एक तगारा भर के आराम से चारा भी हो गया था, वो बताऊँगा अभी मैं। और ये देखिए इसके नीचे जड़ों में बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस कचरे को हम झड़का के, झड़काना बोलते हैं इसे, और झड़का के इनको हम साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करके फिर जो गाय है इनको खिला देते हैं, तो गाय भी आराम से मज़े से खा लेती है। और यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस कारण आप सोचेंगे जब फास्ट काम हो रहा, पर नहीं, काम तो बिल्कुल जैसे करते वैसे हो रहा था, बट थोड़ी स्पीड मैंने फास्ट कर दी थी यहाँ पर। और ये देखिए अब इस प्रकार से जो कचरा है, मैं इसको अच्छे से झड़का के और तगारे में डाल के अच्छी तरह से पूरा फुल दबा के तगारा भर गया था हमारा जो बड़ा वाला तगारा है उसमें। और पीछे देखिए हमारी जो काले वाली गाय है वो बंधी हुई है, और अभी इनको हमने कुट्टी मिला के रख दी थी, चाटा मिला के, तो अभी ये खा रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूने के बाद इसको ये जो चारा है ये रख देंगे, तो ये आराम से मज़े से खा लेगी। अभी एक दिन तो खा लेगी, कोई बात नहीं है, कभी कभार मिल पाता है इनको इसलिए। और यहाँ पर क्या थोड़े से पॉलीथीन वगैरह भी हो रहे थे, हम इनको साफ़ कर रहे हैं। और एक ही देखिए मेरे पास जो पड़ा है लौकी का, वो है सूखी हुई लौकी है, बीज के लिए रखी थी हमने, तो ये फूट गई थी यहाँ पर ट्रैक्टर के उसमें आ गई थी इस कारण। और यहाँ पर पिछले साल भी बहुत सारी लौकी लगी थी, आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखेगा उसमें आपको दिखेगी। और अभी मैं आ चुका हूँ तगारा लेके, और ये तगारा मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरी सिया है, मेरी बिटिया है, उसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ा सा जो है चारा डाल दूँगा। और ये भी है ना हरा चारा बहुत मज़े से खाती है। और अब इसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा जो चारा है खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका थोड़ा सा दूध कम कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे दूध भी लगाना है। और ये रख दिया मैंने पार्वती को चारा, और ये सिया भी खा रही है इधर से मज़े से। और आज मेरी पार्वती बहुत खुश है, क्योंकि इसको बहुत दिनों बाद मिला है हरा चारा खाने के लिए।
और मैं बता रहा था कि मैंने सिया का दूध कम कर दिया क्योंकि अब मुझे दूध लगाना है, क्योंकि अब पार्वती के लिए भी चारा और दलिया उसकी व्यवस्था करनी, इस कारण तो थोड़ा सा दूध कम करना पड़ा मुझे। वो देखिए कितने राजी होकर खा रही है मेरी पार्वती, बहुत खुश है आस्था चारा मिल गया इसे। और यहाँ पर अब आ गए हम दीदी के घर। प्रिया ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया था कि मामा जी आइए, आज हम क्या करेंगे, जावने चढ़ाएंगे, इस कारण जावने चढ़ाने के लिए मैं आ गया था। और ये देखिए अब इस प्रकार से हमने बना के, और सबसे पहले हमें जोत करनी पड़ती है, क्योंकि जोत जो है हमारे ऐसा माना जाता है कि जब जोत ये जो अग्नि प्रकट हो जाती है तो मतलब देवता जी जो भगवान जी वो आ चुके हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। तो देखिए जोत आ चुकी है और अभी मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। ये देखिए अब अच्छे से जोत आ चुकी है। नारियल फोड़ दिया था पहले ही हमने, नारियल चढ़ा दिया वो नारियल में से कर दिया था। और ये जो दही है तो उसमें से जो ऊपर का है वो हम इसमें जोत में डाल देंगे। और जो हमने देवता बनाए थे जेल जी महाराज बोलते हैं हमारे जेल जी, तो वो क्या है उनको थोड़ा सा भोग लगाना पड़ता है, मतलब पूरा उनको जो दही है उसे नहलाना पड़ता है, ऐसे नहलाते हैं हमारे दही से। ये देखिए इस प्रकार से पूरा दही डाल के अच्छे से उनको नहलाया जाता है दही से। और इसके जेल जी महाराज की भी कहानी है जो मैं आपको आगे का भी बताऊँगा कि क्या है। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से कर दिया है। और दही को क्या है फिर यहीं बैठ के खाना होता है, इसको घर नहीं ले जा सकते हैं। ये भी एक वो है प्रसाद, कभी भी घर नहीं जाता है किसी भी भगवान का जी का हो तो इसको बैठ के ही खाना होता है। और देखिए हमने कर दिया धूप, और यहाँ पर देखिए जोत जो बहुत अच्छे से आ रही है। और अभी हम करेंगे और बहुत सारे काम जो बाकी हैं हमारे। यहाँ पर देखिए जोत बहुत अच्छी तरह से आ गई है, भगवान जी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। और यहाँ पर देखिए नितिन का लाड दुलार अपने जो सिया है, सच में बता रहा हूँ बच्चे बहुत लाड करते हैं, मेरी सिया है उससे बहुत लाड करते हैं, वो बच्चों की बहुत प्यारी है। और ये भी इतना समझती है कि नाम लेते ही सिया और ऐसे घूम घूम के मतलब देखेगी हम सबको कि बच्चों के जैसे है, और हम भी इनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। उधर पार्वती चारा खा रही है, मुस्कान देखिए स्नेहा, ये स्नेहा थोड़ी मस्ती कर रही है उधर देखिए। और नवीन तो बिल्कुल पूरा दिन 10 बार जाके सिया को देखेगा, चारा खिलाएगा, इसे पानी पिलाएगा, दलिया खिलाएगा। और ये देखिए नितिन आ गया, और इसके जो चीचड़े हैं वो साफ़ करता है नितिन, यानी इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखता है नितिन, क्योंकि नितिन को बहुत ज़्यादा मतलब लाड है इससे। दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सिया से, ये कहते हैं हमारी बहन है सिया। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए मालिश कर रहा है नवीन, और बहुत लाड कर रहे हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं हम घर पे, और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से भाई बहन मस्ती कर रहे हैं सभी लोग मिलके। ये देखिए वो लड़े हैं वो बड़े एक साथ। और उसके बाद देखिए ये है सनसेट का नज़ारा, मैंने आपको दिखाया है हमारे गांव का, पहाड़ों के बीच में से डूबता हुआ सूरज, क्योंकि हमारे यहाँ पर अरावली रेंज यानी हमारा जो गाँव है दोनों तरफ से क्या है कि पहाड़ों के बीच में है, यानी दोनों तरफ हमारे पहाड़ 3 तरफ पहाड़ हैं तो बीच में हमारा गांव है। तो ये देखिए पहाड़ों के बीच में से सूरज अस्त होते हुए और यहाँ पर आ चुके हैं वापस घर पे। और यहाँ पर देखिए जो हमारी जो रानी है उसे कितना लाड कर रहे हैं, यानी पशु प्रेम बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताएँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।